दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 मई 2023 एपिसोड में हम कॉटन कपास के ऊपर बात करेंगे। खबर निकल के आ रही है कि नॉर्दर्न इंडिया में मौसम बिल्कुल क्लियर है और देश भर की मंडियों में कपास की आवक बुधवार को 1,08,000 बेल्स की हुई है। गौरतलब है कि एक बेल्स 170 किलो की मानी जाती है। पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तेलंगाना की मंडियों में कपास की आवक में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इन राज्यों के किसानों के पास कपास का काफ़ी बकाया स्टॉक है और जिस पिछले साल की तुलना में, और अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, अतः इस बार किसान ऊँचे भाव के माह की आज के अंदर कपास को जो रोका था अब वो बेचने पर आमादा हो रहे हैं। साथ साथ बिनोला तेल की कीमतें में भी पिछले दूसरे दिन गिरावट दर्ज हुई और गुजरात में कॉटन वाश के भाव 10 रुपये कमजोर होकर 915 रुपये प्रति 10 किलो के बह रह गए। साथ साथ बिनोले की कीमत उत्तर भारत के राज्यों में स्थिर बताई जा रही है। बिनोला के दाम पंजाब में 3200 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल पर स्टेबल हो चुके हैं। इस दौरान हरियाणा में इसके भाव 3300 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। राजस्थान की श्रीगंगानगर लाइन में कॉटन सीड यानी बिनोला के दाम 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कल 10 मई को दोपहर के बाद डिमांड कमजोर होने से कपास के भावों में कुछ कमजोरी देखी गई। गुजरात के अहमदाबाद में शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव 300 रुपये कमजोर होकर 60,700 से 61,000 रुपये प्रति कैंडी बताया जा रहा है और एक कैंडी 365 किलो की होती है 356 किलो की होती है। पंजाब में रुई के हाजिर फिजिकल डिलीवरी के भाव 6,100 से 6,200 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। हरियाणा में रुई के भाव फिजिकल डिलीवरी के दाम 6,075 से 6,175 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। अपर राजस्थान में रुई के भाव के फिजिकल डिलीवरी के हाजिर के दाम 6,300 से 6,400 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। खैरतल लाइन में कॉटन के दाम 6,200 से 6,250 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब कॉटन एक महत्वपूर्ण लेवल पर पहुँच गई है, क्योंकि इधर नई बिजाई के समाचार आ रहे हैं, साथ साथ अब किसानों के पास कपास को बेचने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि उनकी आस लगातार टूटती जा रही है। दोस्तों कॉटन कपास के ऊपर हम लगातार आपको अपडेट दिया है, हमने आपको हर तेज़ी से पहले तेज़ी और हर मंदी से पहले मंदी का विश्लेषण देने का प्रयास किया है। कपास खलीफ पे भी और बिरह पे भी हमारा विश्लेषण सही साबित हुआ है। दोस्तों आने वाले 10 से 15 दिन एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रख सकते हैं। हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को और अपनी पेड रिसर्च दे दी है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर गेहूँ कपास के अंदर क्या संभावना बन सकती है। गौरतलब है साथियों, आपको हमने मार्च महीने में जब बुरी तरह से कॉटन की पिटाई हो रही थी उस वक्त हमने कहा था कि बाज़ार तेज़ हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाज़ारों में कॉटन के दाम मार्च में शानदार तरीके से तेज़ी हुए थे। उसके बाद कुछ स्थायित्व हुए और कुछ करेक्शन अब देखा जा रहा है। क्या आने वाला समय फिर दोबारा तेज़ी का आएगा या फिर अब से कॉटन लगातार नीचे गिरती जाएगी? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। गौरतलब है ये रिपोर्ट जिनर्स, मिलर्स, स्टॉकिस्ट, स्पिनिंग मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स वाले जो भी इस महानुभाव लेना चाहते हैं वो भुगतान करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।